तो नमस्कार दोस्तों, दी एलेक्स नाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं धीरज कुमार आज आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस बिजनेस में आप मात्र 60,000 रुपये इन्वेस्ट करके हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों, जो आप 60,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे वो लगभग 1 महीने की पूंजी है। 1 महीने तक आप उसी पैसे से मार्केटिंग कर सकते हैं और मटेरियल मंगा सकते हैं। कुल पूंजी इसमें शामिल है। दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिंथेटिक गम लाइकेज फेविकोल की तरह लेई बनाने का बिजनेस है। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में फेविकोल बना है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फेविकोल में बहुत सारी कंपटीशन है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे आप नहीं समझेंगे। आप कभी भी किसी फर्नीचर की दुकान पे जाइए, आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा उपयोग फर्नीचर में ही होता है, तो आप जाके कभी देखिएगा कोई भी फेविकोल का यूज नहीं करता है। सब कोई किसी घटिया कंपनी का ही फेविकोल टाइप्स कोई भी गम आता है, सिंथेटिक गम, उसी का यूज करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर आप सेलिंग करते हैं दुकानदारों को, सेलिंग ना करके फर्नीचर के दुकानदारों को अगर आप सेलिंग करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद बिजनेस साबित हो सकता है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसे बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे बनाने के लिए हमें स्टार्च यानी अरारोट पाउडर 100 ग्राम, कास्टिक लाई 25 ml। दोस्तों, कास्टिक लाई में आप 10 ग्राम कास्टिक सोडा और 15 ग्राम पानी का यूज करें। HCl एसिड 10 ml। दोस्तों, इसमें आपको आगे पानी ऐड करना है, फिर वाटर, आपको साफ पानी 700 ml चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 10 ग्राम, हाँ 10 ग्राम आपको कास्टिक सोडा लेनी है, फिर उसमें आपको 15 ml पानी डालनी है। अब पानी डालने के बाद से अच्छी तरह से इसे मिलाएं। दोस्तों, ध्यान रखिए, अब बहुत ही खतरनाक होता है कास्टिक सोडा, अतः सावधानी पूर्वक मिलाए। हाथ में ग्लव्स, मास्क और गॉगल्स चेहरे पे जरूर लगाएं। दोस्तों, इसे अच्छी तरह से किसी मिट्टी के बर्तन या शीशे के बर्तन या फिर प्लास्टिक के बर्तन में ही लाई को तैयार करें। फिर इसे ठंडा होने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए रख दें। दोस्तों, अब हमको क्या लेना है, HCl लेनी है। HCl आपको लेनी है कितनी, 25 ml, जिसमें मैं 10 ml लिया हूँ और 15 ml ऑलरेडी पहले से पानी मिलाया हूँ, और फिर से आप 200 ml लगभग में और फिर पानी इसमें मिला लीजिए ताकि इसका प्रभाव घट जाए, कम हो जाए। फिर आप इसे अलग रख दीजिए। आप फिर एक बर्तन लीजिए और आपके पास जो अरारोट पाउडर है स्टार्च, दोस्तों आप इसके जगह पे मैदा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैदा पानी में अच्छी तरह से घुलता नहीं है, गांठें रह जाती है, बहुत मेहनत करनी होती है और उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। हालांकि आपका तो जो फेविकोल बनेगा, ग्लू बनेगा, वो तो सस्ता पड़ेगा लेकिन उतनी अच्छी नहीं रहेगी। आप सबसे बढ़िया अरारोट पाउडर लीजिए, लगभग 45 रुपये प्रति किलोग्राम आपको किसी भी किराने स्टोर पर मिल जाएगी या किसी भी बेकरी स्टोर पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसे पानी में डाल के इसे अच्छी तरह से घुलाएं। दोस्तों, इसके लिए आपको मिक्सचर की भी आवश्यकता नहीं है, तुरंत पानी में अरारोट पाउडर घुल जाता है। दोस्तों, आप अरारोट पाउडर के नाम से ही मांगे, अधिकांश दुकानदार स्टार्च नाम से नहीं समझ पाते हैं। और दोस्तों, इसे अच्छी तरह से मिलाएं। दोस्तों, अगर आप शुरुआती बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको किसी मिक्सचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप बड़े स्तर पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक मिक्सचर लेनी पड़ेगी। दोस्तों, मिक्सचर लेने में भी काफ़ी झंझट है। इसमें कोई वो मिक्सचर के चारों तरफ ठंडा होने के लिए पानी गुजारने की जगह होनी चाहिए। मिक्सचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए इसका प्रोसेस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले एक बाथटब लीजिए और उसमें पानी डालिए। दोस्तों, पानी में इसे रखना अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य है, और पानी को ठंडा होना चाहिए। देखिए, मैं बर्फ़ जमा के लाया हूँ, रेफ्रिजरेटर में रखा था, जो कि काफ़ी ठंडा पानी है। दोस्तों, ये पानी, ठंडा पानी डालना बहुत ही ज़रूरी है।
आप चाहें तो इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल सकते हैं ताकि यह ठंडा बना रहे। दोस्तों अगर यह ठंडा नहीं होता है तो आपका जो भी ग्लू तैयार होगा वो अच्छी क्वालिटी में तैयार नहीं होगा। दोस्तों अगर आप ये ग्लू बना रहे हैं तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि इसमें बर्फ़ का टुकड़ा डालना है, वरना आप बाद में कहते अच्छी तरह से नहीं बन पाया। दोस्तों फिर आपके पास जो कास्टिक सोडा की लाई है, धीरे धीरे पतली धार से इसमें गिरा और इसे अच्छी तरह से मिलाते रहें। इसे अच्छी तरह से मिलाते रहें, इसे मिलाना भी अत्यंत अनिवार्य है। अगर आप बीच में रुकते हैं तो इसमें थक्का बन जाएगी और आपका ग्लू खराब हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिलाएं दोस्तों। इस प्रोसेस के लिए मिक्सचर ही ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कम मात्रा में बना रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैं जितनी बताया हूँ कि आप दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका इसके बारे में, रुकिए मैं आपको बता दूं, लगभग 1 किलोग्राम आपको बनाने में 6 रुपये की खर्च आती है। अगर आप 4 रुपये और खर्च मान लें, पैकिंग खर्च, लेबर खर्च और 10 रुपये दुकानदार की प्रॉफिट मान लें, तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम आपको पड़ता है, आपका कुल इन्वेस्ट इस पर पड़ता है। दोस्तों वैसे तो फेविकोल बहुत महंगा बिकती है, लेकिन सस्ता से सस्ता भी ग्लू 70 से 80 रुपये से कम नहीं बिकती है। 80 से तो कम मैं देखा ही नहीं हूँ, इस समय तो और भी महंगा होगी। लेकिन आप कम से कम अगर 70 रुपया भी बेचते हैं तो भी लगभग आपको 50 रुपये 1 किलो यानी एक पैकेट पे फ़ायदा होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में तैयार हो गई है आपकी ग्लू। लेकिन दोस्तों अब इसमें हम HCl भी डालेंगे। अगर आप चाहें तो HCl की जगह पर यूरिया का भी घोल प्रयोग कर सकते हैं। HCl डालने के बाद से भी अगर आप चाहें तो यूरिया का घोल प्रयोग कर सकते हैं, ताकि अब जो अब भी ग्लू आप बनाए हैं उसमें हमेशा नमी बना रहे और जल्दी से सूखे नहीं। दोस्तों जैसे ही आप HCl डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो फिर इसे बहुत अच्छी तरह से चलाना अनिवार्य है। इसे अच्छी तरह से कुछ देर तक ऐसे घोंटते रहे यानी चलाते रहें। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि 1 किलोग्राम पे दुकानदार को भी अगर आप प्रॉफिट देते हैं और अपना पूरा खर्च मिलाते हैं तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम खर्च पड़ता है। और दोस्तों अगर 70 का ही अगर आप उसका प्रिंट देते हैं तो भी आपको एक पैकेट पर लगभग 50 रुपये की प्रॉफिट होगी। अगर दोस्तों 50 रुपये की प्रॉफिट होगी, दोस्तों एक फर्नीचर की दुकान पे मैं तो खुद गया हूँ, देखा हूँ 20 से 25 किलोग्राम तक लेते हैं, लेकिन अगर 10 किलोग्राम ही अगर आप दे रहे हैं, 10 पैकेट ही दे रहे हैं, 10 किलोग्राम का एक डब्बा ही दे रहे हैं, तो लगभग आपको 50 × 3 यानी 500 रुपये की प्रॉफिट होगी। अगर आप डेली 10 दुकानदारों को दे रहे हैं, 10 किलो ही दे रहे हैं, तो यानी आपको 505,000 रुपये की प्रॉफिट होगी। इस तरह हम देखें तो आपको 1 महीने में लगभग 1.5 लाख रुपये की फ़ायदा होगी। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इसमें ना ही कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करनी है, ना ही कोई स्किल चाहिए, ना ही कोई मशीन चाहिए और ना ही उधार फंसने की भी संभावना है। तो दोस्तों यह बिजनेस बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं HCl मिलाने के बाद से एकदम जैसे आपकी फेविकोल आती है, एकदम उसी क्वालिटी में आपकी ये गम तैयार हो चुकी है। दोस्तों जो मैं आपको पानी से ठंडा रखने के लिए बोला हूँ, यह ज़रूरी है। अगर यह ठंडा आप नहीं करते हैं तो आपका ग्लू खराब हो जाएगा और बाद में आप फिर पूछेंगे कि सर खराब हो गया। दोस्तों इस समय गर्मी की मौसम है, अगर आप चाहें इसमें नमी बना, ऐसे भी ठीक है, जो मैं बताया हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर आप चाहें तो इसमें 10 ग्राम यूरिया का घोल, 10 ग्राम यूरिया ले या 5 ग्राम यूरिया और 5 ग्राम पानी लेके उसका घोल आप इसमें डाल के मिला दें, ताकि इसमें हमेशा नमी बनी रहेगी, ये जल्दी सूखेगा नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी में तैयार हुए, एक भी गांठ इसमें नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था बस, हाँ दोस्तों इसमें मात्र 60,000 रुपये की ही इन्वेस्ट करनी है, ना मशीनरी के खर्च, ना विज्ञापन की खर्च, ना कंपटीशन की झंझट, ना ही पूंजी डूबने की झंझट। क्योंकि दोस्तों आप जितना चाहे, मैं तो 60,000 बोला हूँ पूंजी लगाने के लिए, 1 महीने की पूंजी बताया हूँ। आप इसमें ऐसे सामान का प्रयोग होता है कि आपको डेली मार्केट से आप खरीदेंगे और डेली बना के बेच देंगे, यानी आप 2,000 की भी पूंजी लगाते हैं तो आप ये बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यानी आप 2,000 की पूंजी लगाइए, आज लगाइए और फिर 5,000 रुपये कमाइए।
2,000 लगाएंगे, 5,000 के बेचेंगे, यानी कि 3,000 रुपये प्रॉफिट होगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डेली पूंजी लगाइए और डेली बेचिए। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है, आप कैसा बिजनेस करना चाहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपका ये सिंथेटिक गम तैयार हो गया है। अब दोस्तों आप इसे खुद भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों गत्ता उद्योग में बहुत ज़्यादा ये चलता है, गत्ता उद्योग, फिर या सनमाइका चिपकाने के लिए भी, या फिर अन्य कई कामों में इसका यूज होता है। आप चाहें तो देख सकते हैं स्टेशनरी की दुकानों पे भी, कॉपी किताब की दुकानें पे, या अन्य बहुत सारी दुकानों पे ग्लू बिकती है। आप उनसे भी कांटेक्ट करके आप उन्हें सेल कर सकते हैं। दोस्तों आप ऑनलाइन indiamart.com पे भी सेल कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है, उसे क्लिक करके वीडियो सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में घंटी के बटन को दबाएं ताकि सभी अपडेट आपको